तो एक गाय भी यहाँ पे नहाती है और ये बच्ची भी यहाँ पे ही नहाती है और बहुत खुश है। साइड पे वो इंडिया की गाड़ी जा रही है, देखो गुजर गई वहां से जो है ना इंडिया की गाड़ी भी नजर आ रही है। अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक वंस अगेन जी। तो लास्ट वीडियो में आप लोगों ने मेरे साथ देखा था गधों का, गधों का भी बॉर्डर की बिल्कुल ही ऊपर था और बहुत अच्छे लोग थे वहाँ पे, मैंने लस्सी भी पी लिया था। तो अभी मैं जा रहा हूँ गधों का, हम मैंने यहाँ पे छोड़ लिया, वो बॉर्डर के साथ ही है। और अभी मैं जा रहा हूँ रहीमाबाद, रहीमाबाद को कतलूही, कतलूही भी कहते हैं, गूगल नेम रहीमाबाद है, कतलूही भी इनका नाम है। तो अभी मैं जा रहा हूँ यहाँ से कतलूही, इसके दरमियान भी एक गाँव आता है लेकिन वो एलओसी पे नहीं है, तो इसीलिए मैं वहाँ नहीं जाऊँगा। मैं उन गाँव पर जाऊँगा जो बिल्कुल एलओसी की एलओसी ने सॉरी जी ज़ीरो लाइन के ऊपर जो होते हैं ना, तो ये गाँव भी ज़ीरो लाइन के पास ही है और इसके आगे मतलब इंडिया का ही रकबा है। तो अभी चलते हैं देखते हैं कतलूही या जिसे रहीमाबाद भी कहते हैं। तो बाइक रेडी है, अभी निकलते हैं यहाँ से। हाँ जी, तो अल्लाह का नाम लेके निकलते हैं रहीमाबाद यानी कतलूही की तरफ। तो वो यहाँ से इतना दूर भी नहीं है, मेरे ख़्याल से 2-3 किलोमीटर के फासिला होगा, 2 या 3 किलोमीटर का फासिला होगा, इतना ज़्यादा नहीं है। तो यहाँ पे मुझे टर्न होना पड़ेगा लेफ्ट की तरफ। हाँ जी, तो यहाँ से एंटर होते हैं गांव की तरफ। यहाँ पे भी लोग जानवर पाल लेते हैं और ज़मींदारी इनका काम है। मेरे सामने एक मस्जिद भी है यहाँ पे, अभी तो नमाज का टाइम नहीं है तो चलो यहाँ टर्न होते हैं। हाँ जी, तो ये बच्चे हैं यहाँ पे, इस पानी में नहाते हैं और ये है इनका गांव जिसे कतलूही या रहीमाबाद कहते हैं। तो इनका गांव है, गाय भी यहाँ पे नहाते हैं और ये बच्ची भी यहाँ पे ही नहाते हैं और बहुत खुश है। हाँ, यहाँ पे एक भाई साहब के जानवर भी है यहाँ पे, ये भी इस गांव के साथ ही है, ये इनके घर है। जी, तो यहाँ पे ये भाई साहब है, ये मुझे कह रहे हैं कि मैं सवात नहीं जानता। मैंने इस भाई साहब से पूछ लिया तो ये भी सवात नहीं जानता। सवात के पीके का जो है ना एक डिस्ट्रिक्ट है, डिस्ट्रिक्ट सवात के नाम से है। जैसे आप लोगों का डिस्ट्रिक्ट कौन सा है पता है? वो भी पता नहीं, तेरे ख्याल से ना, मतलब कंफर्म नहीं है। तो ये है इनका छोटा सा ही गांव, इतना बड़ा गांव तो नहीं है, मैं छोटा ही कह सकता हूँ। और ये बिल्कुल ये भी ज़ीरो लाइन के ऊपर ही है। अलिया से चलते हैं, तो अभी मैं इस गांव से भी निकला, अभी यहाँ पे देख लेते हैं ये एलओसी क्या कहते हैं, ज़ीरो लाइन के ऊपर जो है ना हम देख लेते हैं इंडिया के बॉर्डर और पाकिस्तान का बॉर्डर।
तो ये बहुत करीब है, अभी देख लो यहाँ पे ही है ये बॉर्डर, बहुत बिल्कुल नज़दीक है। तो चलते हैं देखते हैं। ये है डिफेंस लाइन और उसके इसकी वो दूसरी साइड पे है ज़ीरो लाइन। हाँ जी, तो यहाँ से अभी आ रहा है नज़र क्लियरली, ये है वो बाढ़ इंडिया वाली साइड का, तो यहाँ से बिल्कुल ही क्लियर नज़र आता है। तो ये गांव की बिल्कुल करीब है, ये यहाँ तक ही ये इलाका अभी हमारा है, वहाँ पे वो लगा हुआ है वाइट पिलर सा, और इसके बाद जो भी इलाका है वो इंडिया का है। वहाँ पे वो गुरुद्वारा वहाँ पे भी यहाँ पे भी नज़र आ रहा है वो, इस के साथ यहीं पे ये वो गुरुद्वारा भी नज़र आ रहा है, और लाइट तो क्लियरली नज़र आ रहते हैं यहाँ पे। ये जो काश्तकारी की है ये हमारे पाकिस्तान भाइयों ने किया है, और इसके जो आगे है वो इंडिया वालों ने किया है। दीपा के साथ साथ ही चलते हैं, अगर आगे कोई जगह मिल गया तो वहीं से भी देख लेंगे। इंडिया के जो बॉर्डर है और पाकिस्तान का जो कुछ इलाका है, और ये ही गांव है, बिल्कुल नज़दीक है एक दूसरे के। हाँ जी, तो यहाँ से देख लो वहाँ पे है इंडिया का बॉर्डर, और यहाँ पे पाकिस्तान का भी, वो किसान काम कर रहे इस वाली जगह पे, इस साइड पे वो इंडिया की गाड़ी जा रही है, देखो गुजर गई वहाँ से, जो है ना इंडिया की गाड़ी भी नज़र आती है। रास्ते में जाती ये दरबार भी आ गया, दरबार है या किसी का मकबरा है, लाइन का मकबरा नसीब फरमाए। तो ये भी बिल्कुल दिफा के ऊपर ही है, ये खबर बिल्कुल दिफा के ऊपर ही है। और यहाँ से अभी देखते हैं तो ये है इंडिया का बॉर्डर, ये देख क्लियरली ही है, यहाँ पे हमारे कुछ किसान हैं इस जगह पे, और वही इंडिया का बॉर्डर है, और वहाँ पे किसान भी है और इंडिया के ही है उस वाले साइड पे, और वो गाड़ी वहाँ पे जा रही है, देख आर्मी मिलिट्री की गाड़ी, मिलिट्री इतनी इनके जो बॉर्डर का अपना ही फौज होता है ना वही है। यहाँ पे वो लाइट सिस्टम, और वहाँ पे वो उनका एक गांव भी यहाँ पे है ना, नाम तो मैं भूल गया अभी, तो वो गांव का भी क्लियरली यहाँ से ही नज़र आते हैं।